हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो हम लोग इस क्लास में अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमारे प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट है इसका 3x+2y = 5 एंड 2x-3y = 7। मैंने आप लोगों को 3 रूल्स बताया था, 3 कंडीशंस बताए थे, जिससे कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता लगाना का रूल मैंने कंडीशन बताया है। तो ठीक है, उसी रूल से हम लोग, उसी कंडीशन से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे फिर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सभी को याद है ना? ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, यहाँ पे A1/A2 क्या है? A1/A2, A1 क्या है? 3 है। A2 क्या है? 2 है। B1/B2 क्या है? B1 तो 2 है, और B2 क्या है? -3। अच्छा, C1/C2 क्या है? देखो बच्चों, 5/ क्या है? 7 है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो आप लोग कौन सा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो देखो, A1/A2 इक्वल है नहीं है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, B1/B2 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये? कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकेंड पार्ट है इसका, 2x-3y = 8 एंड 4x-6y = 9। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, A1/A2 निकाल लेंगे। तो A1 क्या है? 2 है। A2 क्या है? 4। इसको शॉर्ट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा, 1/2। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, B1/B2। B1 क्या है? -3 है। B2 क्या है? -6 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके बच्चों, तो 1/2। अब क्या हो जाएगा, C1/C2 निकालेंगे। C1 क्या है? 8 है, और ये क्या है? 9 है। ठीक है, अब देखो कौन सा कंडीशन लगा है। A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, तो लिखेंगे A1/A2 = B1/B2। तो तीसरा भी, C1 भी देखेंगे, ये क्या है, इक्वल नहीं है, C1/C2। तो इस टाइप का कंडीशन होता था, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। सबको समझ में आ रहा है? बहुत ही एकदम हलवा है, एकदम सा बहुत इजी है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट देखो क्या है, 3/2x+5/2y = 7 है, 9x-10y = 14 है। तो चलते हैं इसको हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1/A2। A1 क्या है? 3/2 है, और A2 क्या है? 9 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। इसी तरह B1/B2, सबको ये समझ में आता है ना, 3/2 × जो डिवाइड में आता है ना A2, वो यहीं पे मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए B1/B2 क्या है, 5/2 × -10, 5 2 जा 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/4, ये माइनस आ जाएगा, और 2 2 जा 4। अब इसी तरह क्या निकालेंगे, C1/C2। बच्चों देखो, 7/ क्या हो जाएगा, 14, 7 1 7, 7 2 जा 14, कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग गया है, A1/A2 = NOT क्या है, B1/B2। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, C1 को नहीं देखते हैं, जैसे ही हमको यहाँ पे इक्वल नहीं मिलता, तो ये क्या हो जाएगा, अब
कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके आप लोग इजी लग रहा है अब, बहुत इजी है आप लोगों को तीनों कंडीशन अगर पता है तो, और तीनों कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए, वो भी आप लोग 10th के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 5x-3y=11 एंड -10x+6y=-22। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, a1/a2 निकालेंगे, a1/a2। तो a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, -10 है। 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2। इसी तरह b1/b2 निकालेंगे, तो b1 क्या है, -3 है, और b2 क्या है, 6 है। 3 1 3 2 = 6, यानी क्या हो जाएगा, ये भी -1/2 आ गया। अच्छा अब c1/c2 निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। c1 क्या है, 11 है, c2 क्या है, -22। 11 1 = 11, 11 2 = 22, ये भी क्या हो जाएगा, -1/2 आ गया। तो तीनों क्या है, ये सेम है। तो कौन सा कंडीशन लग गया यहाँ पे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस टाइप के कंडीशन को क्या कहते थे हम लोग, इनकंसिस्टेंट, सॉरी कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा ना, कंसिस्टेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और भी है, ओके एक पार्ट और है इसका, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो देखो a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, 4/3 * क्या हो जाएगा, 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद सब b1/b2 निकालेंगे, तो b1 क्या है मेरा, 2 है, b2 क्या है, 3 है, ठीक है। c1/c2 निकालेंगे, क्या है, 8/12, 4 2 = 8, 4 3 = 12, यानी 4 के 12 में दोनों आ रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ पे देखो तीनों क्या है, इक्वल है। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया है। ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग घर पे आप लोग पढ़िए, बहुत से बहुत आप लोग प्रैक्टिस करिए। अभी लॉकडाउन में है, आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस सभी को तबाह कर रखा है, तभी कोरोना वायरस है, लॉकडाउन में है, तो इसलिए अभी इंस्टीट्यूट बंद है। तो इसलिए आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा तो आप लोग को फिर मैं क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ईजी होता है, और मैं इतना ईजिली समझा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई हार्ड नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ रिस्पॉन्स लीजिए अपने आप भी, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए घर पे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू बच्चों।